क्वेश्चन टाइप नंबर वन बेसिक लेवल। देखो यहाँ पर ऑलरेडी रेशो दली दो आगे दे कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट एजेस दली किरता सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन। सो रेशो एस्ट दे रेशो 5:3 दे इधर ली सम दे एन कोटी दे सम यहाँ पर दिया है सम सम ऑफ द एजेस 40 इयर्स 40 इयर्स बेसिकली सम करके दिया हुआ है तो सम बोला है तो सम निकालना है यहाँ पर ठीक है। x यूज़ कर रहे हैं तो x यूज़ करना है तो x यूज़ करो 5x and 3x सम एक्स्ट्रा की दे सम कितना हुआ दोनों का 5x + 3x दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ देयर एजेस एस्ट दे 40 वर्ष दे अजय मत्तु बब्बन ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 5x + 3x ಕಿತ್ನಾ ಹೋಗ್ಯಾ 8x ಹೋಗ್ಯಾ 8x ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ಹೇ ತೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎಕ್ಸ್ ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗೈ 8 × 1 = 8 ಮಾಡ್ರಿ 8 × 5 = 40 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬಿ ಬಬ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಹಮೇ ಚಾಹಿಯೇ ಬಬ್ಬನ್ ಕಿತ್ನಾ ಹೇ बबन एस्ट दे 3x है एक्स एस्ट कितना आया 5 आया सो 3 × 5 = 15 इयर्स सो ये था हमारा मेथड नंबर वन जो हमने किया था विथ यूजिंग एक्स वैल्यूज। मेथड नंबर टू यूनिटरी मेथड था जो कि डायरेक्टली हम करते हैं। डायरेक्टली मतलब कैसे 5:3 इज गिवन ए एंड बी सो सम इज टोल्ड तो इसका सम करो 5 + 3 कितना हो गया 8 हुआ। डायरेक्टली यूनिटरी मेथड 8 represents 8 ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿ 3 ಇದೆ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ 8 ಅಂದರೆ 40 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 3 × 40 / 18 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 3 × 40 / 8 ಮಾಡಬೇಕು ಏ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಹೇ ದೇಖೋ 8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 ಸೊ 3 × 5 = 15 ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ 8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 सो 3 × 5 = 15 इयर्स सो 15 इयर्स इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो ये हो गया हमारा बब्बन 15 इयर्स का बब्बन इज इक्वल टू यस। अजय पूछेगा ए तो 5 = ? सिंपल कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कुछ भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू। देखो यहाँ पर एज ऑफ ए बी एंड सी इज इन रेशो बेसिक लेवल चल रहा है ये इज इन द रेशो 3:4:7 इफ बी इज 28 ईयर ओल्ड सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत बेसिक लेवल का है। फाइंड सम ऑफ ऑल सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल सभी को ऐड करो और बताओ। ऑप्शंस देता हूँ मैं जल्दी से आप आंसर करो क्वेश्चन एक्सप्लेन करो क्या। अच्छा अजय बब्बन चेतन का एज अजय बब्बन चेतन एज इधर रेशो दलिए 3, 4 and 7 अदर बब्बन एस्ट दे 28 ईयर ओल्ड इदे बब्बन एस्ट दे 28 वर्ष इदे बब्बन एज गोत्तिदे नमगे बब्बन एज एस्ट हिंदी में बोलना है अरे बब्बन का आयु कितनी है बब्बन की आयु 28 साल है। बब्बन 28 साल का है तो उसमें हमें बताना है सभी के उम्रों का योग कितना होगा। ठीक है हिंदी समझ में आ रहा है सभी के उम्रों का योग हिंदी में बोलते योग का मतलब सम तो ये मिलाकर कितना होगा सर कितना 98 आ रहा है क्या चलो ऑप्शन नहीं चाहिए। चलो देखो यहाँ पर क्या करना है अजय बब्बन चेतन 3, 4, 7 हमने लिखा ठीक है। यूनिटरी मेथड डायरेक्टली यूज़ कर दो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड यूज़ कर दो। क्वेश्चन हमें निकालना है सम ठीक है। देखो अजय यहाँ पर किसका एज गिवन है 28 कौन है ये बी का दिया है बी 28 ईयर है 4 मीन्स ये जो 4 है 4 रिप्रेजेंट करता है 28 ईयर को। हमें चाहिए सम ऑफ ऑल कितना हुआ 3 + 4 + 7 कितना हुआ 3 + 4 + 7 कर दो डायरेक्टली दिमाग में फास्ट 14 हो गया 14 रेशो हो गया ये 14 रेशो हाँ दिस इज नॉट ईयर्स दो 14 यूनिट दे 14 रेशो अंदर एस्ट 4 अंदर 28 टोटल 14 अंदर एस्ट 4 × 1 = 4 4 × 7 = 28 14 × 7 = 98 इयर्स।
मुझे आप बताओ, ये समझ में आया, 14 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करना है। अगर ये क्वेश्चन में बोलते थे फाइंड द एज ऑफ ए, ए एस्ट दे, ए कितना है, 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 इज इक्वल टू हाउ मच करते थे, 3 7s are 21, सी इज इक्वल टू हाउ मच, 7 इज इक्वल टू हाउ मच करेंगे, ये आपको करना है बस। 7 7s are 49। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ठीक है, बाद में आ जाएगा ये, आप देख लेना बाद में, ठीक है ऐसे। हाँ यस यस, क्वेश्चन नंबर 3। आपका नाम क्या? साहिल। साहिल एज कितना है आपका? हाँ 19 ईयर्स के हो। नहीं मैं दूसरा देता हूँ ज़रा, 20 साहिल। एंड आपका नाम क्या है? मंजू। साहिल एंड मंजू एज इज इन रेशियो 8:5। इफ साहिल इज, ठीक है, इफ साहिल इज, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, आपका नहीं बना रहा। इफ साहिल इज 40 year elder than मनोज, मंजू, फाइंड मंजूज एज। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, साहिल और मनोज इनका जो एज का रेशो 8:5 है, साहिल मनोज मंजू से 40 साल अधिक उम्र का है, तो मंजू कितने साल का है? कन्नड़ा दल्ली क्वेश्चन, साहिल मत्तु मंजू इष्ट रेशो दली दे, साहिल मंजू इंत 40 वर्ष दौड़ दे, ये आपको दिया है, अदरली मंजू एस्ट दे, ये क्वेश्चन हमें पूछा है यहाँ पर। कितना? 25। यस, इधर फर्स्ट बेंच, आपका आंसर कितना आया? यस, आंसर कितना है आपका? 25 ईयर्स आया। और एक बार हिंदी में, हाँ, साहिल और मंजू बेसिकली 8:5 के अनुपात में है, साहिल 40 वर्ष बड़ा है, एल्डर मतलब क्या? बड़ा। यंगर मतलब क्या? छोटा। अब बड़ा कौन है इसमें? साहिल बड़ा है, 40 साल से बड़ा है, ठीक है, ये आपको करना है। जिसने भी 25 आंसर दिया है, सभी ने गलत दिया है, जिसका भी आंसर 25 ईयर्स है, ये पूरा का पूरा गलत है। ये गलत क्यों है थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। यस करेक्ट। तो एक चीज़ याद रखो, उस दिन मैंने एक नोट भी दिया था आपको, बेसिकली अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। साहिल है और यहाँ पे मंजू है, रेशो हमारा 8:5 है। साहिल 40 ईयर एल्डर है, मतलब बड़ा है, इले नोट रही, मंजू दिन था, मंजू से साहिल कितना बड़ा है, मंजू से बेसिकली साहिल एस्ट दौड़ दे, मंजू 5 दे, साहिल 8 दे, एस्ट दौड़ दे, 6 नहीं 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3 मोर है, 3 से बड़ा है, सो 3 अंदर बेसिकली, अरे रे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना था, डेसिमल में आ रहा है क्या? एक मिनट, ये 42 कर दो, मैंने ज़रा सा देखा नहीं, वो 42 कर दो, डेसिमल में आएगा अदरवाइज, 42 कर दो, 3 अंदर बेसिकली 42 ईयर्स, 3 अंदर 42 ईयर्स, मंजू बेको नमगे, मंजू एस्ट दे 5 अंदर बेसिकली हाउ मच, 3 मीन्स 42 ईयर्स, तो बेसिकली 5 मीन्स हाउ मच, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, कैंसल, 14 into 5 70 ईयर्स होगा, 70 ईयर्स विल बी द एज ऑफ मंजू। अब ये सेम क्वेश्चन और एक स्टाइल में कैसे फॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनर, जरा देखो यहां पर। देखो यहां पर दिया जाएगा साहिल एंड मंजू, सेम थिंग, साहिल एंड मंजू रेशो इज 8:5, सेम 8:5, और यहां पर दिया जाएगा इफ साहिल इज 40 ईयर्स, साहिल इज 40 ईयर्स, मोर नहीं लेस नहीं, सिर्फ साहिल एज 40 ईयर्स, फाइंड मंजूज एज, तो मंजू कितना है इस केस में? इस केस में आपको लिखना है, आपने सेम लिखा साहिल और मंजू, साहिल रेशो 8 दे, मंजू रेशो 5 दे,
डायरेक्टली यूनिटरी मेथड साहिल एज कोटी देनमगे, साहिल का एज दिया है 40 इयर्स करके दिया है, साहिल कितना है यहाँ पर 8 है, साहिल का एज कितना है 40 है, तो 8 रिप्रेजेंट 40 इयर्स आपको करना है, 8 रिप्रेजेंट 40 इयर्स, मंजू कितना है, मंजू 5 है, मंजू कितना है, मंजू 5 है, 5 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको करना है, यस 8 मजा 8, 8 5 जा 40, 5 5 जा आपने बोला 21। आपका क्वेश्चन होगा इधर डिफरेंस क्यों निकाला है, इधर डिफरेंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहां पर बेसिकली इले नालुवा तंद्रे बेसिकली साहिल्स एज दे, इधर साहिल्स एज दे, अदक्के साहिल रेशो दली कंपेयर, साहिल के रेशो के साथ डायरेक्टली कंपेयर करो, ये साहिल का एज नहीं है, इधर साहिल एज इला, इधर साहिल दौड़ दे इष्ट वर्ष इन द दौड़, अगर मंजू 100 साल का है तो साहिल 142 ईयर्स का है, अगर मंजू 50 ईयर्स का है तो आप 92 ईयर्स के हो, अगर मंजू 1 साल का है तो आप 43 ईयर्स के हो गए, अगर मंजू 1000 साल का है तो आप 1042 ईयर्स के हैं, ये है। लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए उस दिन मैंने नोट दिया था, यस करेक्ट, मैथमेटिक्स के कोई भी लेसन में या फिर एज के लेसन में बात कर रहे तो ऐसे याद रखो, इन एजेस, इन एज एल्डर यंगर इज गिवन, इफ यंगर इज गिवन फाइंड द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द रेशियो, टेक डिफरेंस बिटवीन द रेशियो, टेक डिफरेंस बिटवीन रेशियो, मतलब बेसिकली अगर कभी भी एल्डर यंगर करके दिया है ना तो उनके रेशो में का अंतर ले लो, रेशो में का अंतर ले लो, दोनों के बीच में का अंतर कितना है उसको कंपेयर करना है गिवन एज के साथ, ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं, लेट्स मूव अहेड, ए एंड बी एज इज इन रेशो 7:5, इफ बी इज 20 ईयर यंगर देन ए, फाइंड ए इक्वल टू हाउ मच, बी इक्वल टू हाउ मच, यस same question can be formed in this way, same question can be formed in this way, a and b age in the ratio is in ratio 7:5 if b is 20 year, find A इक्वल टू हाउ मच, B इक्वल टू हाउ मच। देखो यहाँ पर सभी जन सेम क्वेश्चन दो स्टाइल्स में, दो टाइप में कैसे आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पे जो मैंने दिया है यहाँ पर आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमको 20 ईयर यंगर करके दिया है, तो क्या करना है जो 7:5 करके है उसमें का आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का ए और बी में का डिफरेंस तो को देखो, या के अंदर बब्बन एड रेशो कड़ी में दे, बब्बन अजय से दो छोटा है, 2 रेशो रिप्रेजेंट 20 ईयर, हमें निकालना है ए कितना है, ए कितना है, ए एस्ट दे, ए 7 दे, 7 अंदर एस्ट, ठीक है अदरवाइज 1 निकाल सकते हो, 1 निकाल के ए बी सीधा आप कर सकते हो, 2 1 2, 2 10 20, 7 × 10 70 ईयर, हाँ बी बी निकालना है तो बी की वैल्यू 5 10 50 ईयर्स आ जाएगा, बी ए निकाल दिया, ए इज इक्वल टू 70 ईयर। इधर क्वेश्चन दिली नोटरी सेम दे, डेटा सेम दे, ए बी का रेशो दिया है 7:5, डायरेक्टली बी इज 20 ईयर्स दिया है आपको, बी का एज बेसिकली 20 ईयर्स करके दिया है डायरेक्टली, 5 रिप्रेजेंट्स, इधर भी कर सकते हो आप ऐसे, इधर बार बार साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको अगर टाइम सेव करना है तो इधर ही लिखो, 5 = 20, सो 7 = हाउ मच, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है बी का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इधर, 5 = 20 ईयर्स,
निकालना क्या है, ए निकालना है, ए कितना है 7, 5 × 5, 5 × 4 = 20, 7 × 4 = 28 ईयर। अगर एग्जाम में आपको थोड़ा टाइम और सेव करना है तो डायरेक्टली आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस स्वल्प एक्स्ट्रा टाइम सेव ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 20 ವರ್ಷದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ 7 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 5 ಇಂಟು ಯಾವ ನಂಬರ್ 20 5 ಇಂಟು 4 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ರಿ 7 ಇಂಟು 4 28 आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपके पास है, ऐसे करना है तो ऐसे करो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो। जी, टाइम हो गया, ओके, एक दो क्वेश्चन फास्ट करेंगे, 2 मिनट। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। अजय इज एज इज 2/5 टाइम्स ऑफ बबन्स एज। इफ इफ डिफरेंस ऑफ देयर एज If difference of their age is 12 years, sometimes some of their age भी दे सकते हैं, sometimes ये भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? Yes, come on, दो तीन question fast कर देंगे हम। अजय is 2/5 times of बबन। अब ये question को कैसे लिखना है, directly लिखना है तो directly ऐसे कर सकते हो A B कि अजय इज 2/5 टाइम्स ऑफ बबन, डायरेक्टली इसको 5 दे दो और अजय को दे दो, दो दे दो। अब ये नहीं समझ में आया, हैंग बंदी दे द 2:5 अंदर ए मार रही, अजय ए इज का मतलब इक्वल टू, 2/5 का मतलब 2/5, ऑफ का मतलब इन टू, टाइम्स का मतलब बेसिकली इन टू ही होता है, आगे कौन है बबन है, अजय इक्वल टू 2/5 इन टू बबन, ये हो गया। बबन को उधर से इधर खींच के लेकर आओ, यहां पे आ गया बबन, ए बाई बी इज इक्वल टू अष्ट 2/5। सो डायरेक्टली आपने देखा ए रेशो 2 है, बी का रेशो 5 है, ए रेशो 2 बी का रेशो 5। अब डिफरेंस ऑफ देयर एज दिया है 12 इयर्स, डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस ले लो, एस्ट दे डिफरेंस, करेक्ट डिफरेंस मूर दे, सो मूर अंदर बेसिकली मूर अंदर 12 वर्ष 12 ईयर, तो हमें निकालना है ए 2 इक्वल टू हाउ मच, कम ऑन एवरीवन, 3 × 1 = 3, हाँ 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8 ईयर्स, ये आपने करना है, ठीक है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर यहीं पर मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 में इंस्टेड ऑफ डिफरेंस अगर मैं देता था, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ डिफरेंस सपोज आई चेंज दिस, अरे कहाँ गए, सपोज आई चेंज दिस एंड आई राइट इट सम ऑफ देयर एज, सम ऑफ देयर एज इज समथिंग लाइक इफ आई राइट समथिंग 14 ईयर्स, अगर सम दिया है तो रेशो में क्या करना है, सम करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग यू शुड डू सम, सम कितना आ गया दोनों का 5 + 2 कितना आ गया 7, 7 रिप्रेजेंट 14 करना है, 7 रिप्रेजेंट 14 करना है, तो ए का एज 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 7 × 7, 7 × 14, 2 × 4 ईयर्स करना है। अगर क्वेश्चन में ये दिया है अजय इज 2/5 टाइम्स ऑफ बबन और क्वेश्चन में उल्टा दिया है, उन्होंने क्या दिया है कि अजय इज 15 ईयर यंगर देन बब्बन, यस, इस केस में क्या करना है, डिफरेंस करना है, यंगर एल्डर कुछ भी दिया है तो हमेशा डिफरेंस लेना है, 15 ईयर यंगर दिया है तो यहां पे डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कितना आ गया 2 और 5 का 3, 3 रिप्रेजेंट्स क्या बोलना है 3 अंदर 15 ईयर्स, सो क्वेश्चन फाइंड करना है ए, ए कितना है 2, 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज करके देते हैं, ये कल करेंगे हम फिर से, थोड़ा सा मैं यहीं पे बताता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 1000 ईयर्स, फाइंड अजय एज, प्रोडक्ट में कॉन्सेप्ट पूरा अलग करना है, एक्स मेथड करना है,
ठीक है। प्रोडक्ट में बेसिकली क्या करना है, एक्स करना है, एक्स 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 प्रोडक्ट वैल्यू एक्स मार बेकू अजय बब्बन रेशो कितना आया था, 2:5 आया था, 2x 5x प्रोडक्ट रेस्ट होगी दे 2x इंटू नहीं नहीं प्रोडक्ट में कंपल्सरी x कॉइन्स का क्वेश्चन हमने स्क्वायर्स क्यूब्स बेस्ड क्वेश्चन देखा था, देखो 2 × 5 10x² इज इक्वल टू एस्टर 1000। इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो 1000 ईयर्स का आएगा। सो ये आपने कैंसिल किया, 0 × 0 कैंसिल आ गए थे, x² इज इक्वल टू 100, सो देयर फोर x इज इक्वल टू एस्टर 10, x इज इक्वल टू 10, सो अजय एज इज 2x, 2 × 10 = 20 ईयर एंड 5 × 10 = 50 ईयर। तो इसी के साथ स्टॉप करेंगे आज के लिए, कल हम कंटिन्यू करेंगे सेम क्वेश्चंस। आज के लिए इतना बस।